नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। हलाला क्या है? मान लीजिए सलीम और सलमा शादीशुदा कपल हैं, किसी वजह से उनका तलाक हो गया, लेकिन थोड़े समय बाद उन्हें फिर से साथ रहने का मन हुआ। अब वो फिर से शादी करना चाहते हैं। आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, शौक से करें शादी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सलीम और सलमा सीधे सीधे शादी नहीं कर सकते। सलीम से दोबारा निकाह करने के लिए सलमा को हलाला से गुजरना होगा। हलाला के तहत सलीम और सलमा की दोबारा शादी तभी हो सकती है जब सलमा किसी और आदमी से निकाह करे और फिर उससे भी तलाक ले ले। और हाँ, इसमें सिर्फ कागजी निकाह मान्य नहीं होगा, महिला को नए पति के साथ पत्नी के सारे कर्तव्य निभाने होंगे। सीधे सीधे कहा जाए तो उनका सेक्सुअल रिलेशन बनाना अनिवार्य है, बिना सेक्स के हलाला पूरा नहीं होगा। शारीरिक संबंध बनाने के बाद दूसरा पति अपनी मर्जी से महिला को तलाक देगा, उसके बाद ही सलीम और सलमा का दोबारा निकाह मुमकिन है। आपको पता है कि हम आज हलाला की बात कर क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक आदमी, उसके पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, और ये पहली बार है जब पुलिस ने हलाला की शिकायत को बलात्कार की शिकायत FIR के रूप में दर्ज किया है। इस केस की पूरी कहानी खुद पीड़ित महिला ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई। हम आपको इसके मुख्य ब्यौरे बता रहे हैं। मुस्लिम महिला का निकाह जुलाई 2009 में हुआ। महिला को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, उसे सताना शुरू कर दिया। 15 फरवरी 2011 को उसके पति ने अपने परिवार के सामने उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। महिला के पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी माँ अपने भाइयों के साथ रहती थी, जिनकी अपनी भी जिम्मेदारियां थीं। जब महिला ने अपने ससुराल वालों से पूछा कि अब वो कहाँ जाएगी, तो महिला के पति और ससुराल वालों ने उसे अपने ससुर के साथ, यानी पति के पिता के साथ हलाला करने के लिए कहा। महिला ने इससे इनकार कर दिया। इस पर ससुराल वालों ने महिला को पीटा और उसे भूखा रखना शुरू कर दिया। महिला को नशीले इंजेक्शन दिए जाने शुरू कर दिए गए। 1 जुलाई 2011 को इन लोगों ने महिला की शादी उसके ससुर से करा दी। ससुर ने ट्रिपल तलाक देने से पहले 10 दिनों तक पीड़िता का कई बार रेप किया। नवंबर 2011 में महिला की उसके पूर्व पति से दोबारा शादी करा दी गई, लेकिन महिला के ससुर ने उसके साथ रेप करना जारी रखा और उसके पति ने उसे पीटना जारी रखा। महिला के मुताबिक उसे इस जहन्नुम में 6 साल तक रहना पड़ा। 4 जनवरी 2017 को उसके पति ने उसे एक बार फिर ट्रिपल तलाक दे दिया दोबारा। अब तीसरी बार शादी करने के लिए पति ने शर्त रखी कि उसे पति के छोटे भाई के साथ, यानी अपने देवर के साथ हलाला करना होगा। पति लगातार उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन महिला का कहना है कि इस बार वो अपने पति से लड़ने और न्याय पाने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ रह रही है। उसकी माँ और बहन ने उसे उसके पति से बचाया, उसे कमरे में बंद कर रखा था। दूसरी बार ट्रिपल तलाक देने के बाद पति ने उसे 3 दिन तक खाना पानी भी नहीं दिया था। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मंगलवार की रात में उसके ससुर पर रेप का केस दर्ज किया। साथ ही उत्पीड़न और दूसरे अपराधों के लिए पति और परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो हलाला कानून के बजाय जुर्म जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन यूपी पुलिस ने अभी तक इस मामले को जिस तरह हैंडल किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे द लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारा ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल द लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।